माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत भाषण के लिए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी से को आमंत्रित करता हूं माननीय अनुप्रिया पटेल जी काशी ये काशी की ये पवित्र धरती जिसने देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में एक अमूल्य धरोहर सौंपी है एक ऐसे प्रधान सेवक जिन्होंने मां गंगा के बुलावे पर काशी आकर पूरे देश का कायाकल्प करने में स्वयं को खपा दिया ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके विचारों की ऊंचाई और जिनके शब्दों की गहराई विपक्षियों को अक्सर निरुत्तर करने का काम करती है ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने मन की बात करके देशवासियों की आत्मा को छूने का काम किया है दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान के महानायक और देश के सर्वस्पर्शी संतुलित विकास को नए स्वरूप में परिभाषित करने वाले अपने अथक परिश्रम क्षमता से युवा पीढ़ी को चकित और प्रेरित करने वाले आत्मनिर्भर भारत के जनक युग पुरुष प्रेरणादायी एवं विराट व्यक्तित्व के स्वामी हम सबके चहेते माननीय प्रधानमंत्री जी और इस काशी के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आज आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूं मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे भाई अनिल राजभर जी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भाई महेश श्रीवास्तव जी और सभी सम्मान्य विधायक विधायकगण हमारे प्रत्याशीगण हमारे जिला अध्यक्ष गण और यहाँ पर उपस्थित ये इतना बड़ा जन सैलाब वाराणसी की यह धरती मेरे लिए भी ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं है मुझे वो वक्त याद है जब अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ था और अपना दल हमारी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही थी उस वक्त वाराणसी की जनता ने मुझे बहुत सारा अपनापन दिया स्वीकारता दी पहचान दी और आगे बढ़ने का साहस भी दिया आज ये आप सबका शुभाशीष है आपने जो मुझे पहचान दी है उसके कारण आज मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री परिषद की सदस्य के रूप में आपके बीच यहाँ पर खड़ी हूँ मैं वाराणसी की जनता की आजीवन रेडी रहूंगी आज अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जाने के बाद हम अपना दल का विस्तार पूरे प्रदेश में कर पाए हैं तो ये सब कुछ आपके वाराणसी की जनता के शुभ आशीष से ही संभव हुआ है इसलिए मैं जीवन भर आपकी कर्जदार रहूंगी मैं आप सबसे यह भी कहना चाहती हूँ जिन दलों के बारे में ये सोचा कि वो पिछड़ों के रहनुमा है दलितों के रहनुमा है कमजोरों के लिए हक के लिए लड़ने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें कई कई बार सौंपी उस ताकत के बावजूद भी पिछड़ों के दलितों के कमजोरों के हर सवाल पर वो खामोशी रहे। उन्होंने उन सवालों के साथ कभी न्याय नहीं किया, चाहे वो नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी की एडमिशन में पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का विषय हो चाहे वो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने का विषय हो चाहे न्यायपालिका में कमजोरों की भागीदारी का विषय हो या नौकरियों में वंचित वर्गों के बैकलॉग को पूरा करने का विषय हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ों के जो अंक की विसंगति है इसको दूर करने का विषय हो किसी विषय के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया लेकिन पिछड़ों का अगर सच में ख्याल किसी ने किया है उनकी चिंता किसी ने की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है अगर गरीब कल्याण की चिंता किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है अगर उत्तर प्रदेश के विकास की और देश के विकास की चिंता किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसलिए मैं आप सब से आज आग्रह करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनावी संग्राम अपने अंतिम दौर पे पहुंच चुका है और चुनावी चक्रव्यूह का अवंतिम द्वार भेदना बाकी है आप सब छह चरण में ईवीएम का बटन दबाकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने विश्वास की मोहर लगा दी है और पहले चरण से एनडीए के पक्ष में जो बयार बहनी शुरू हुई है आज यहाँ सातवें चरण तक आते आते ये काशी की धरती है माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है यह तूफान का रूप धारण कर चुके हैं इसलिए मैं आप सबसे ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए सिर्फ इतना आग्रह करना चाहती हूँ सात तारीख को हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाकर अपना दल के हमारे प्रत्याशियों के चुनाव निशान कप प्लेट के सामने का बटन दबाकर आप सब इस एनडीए गठबंधन के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने का काम करेंगे इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ नमो बुद्धाय जय भाजपा जय अपना दल जय हिंद